السلام عليكم ورحمة الله وبركاته उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आफियत होंगे आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर पंद्रह जो कि है मेकिंग अ तो इस कहानी को हम पढ़ेंगे और अंग्रेजी में लिखे गए स्ट्रक्चर को समझेंगे उनके माने को समझेंगे और उनके सही तलफ को समझेंगे और सीखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी कहानी ओके गाइस हेडिंग है मेकिंग अ डिफरेंस आप इसको मेकिंग नहीं पढ़ेंगे थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे मेकिंग अ डिफरेंस मेकिंग अ डिफरेंस का मतलब होता है तब्दीली लाना या भला करना ओके okay? दोनों में से कोई एक माना होगा लेकिन यहाँ पर भला करने के माने में होगा तो गोया की ये कहानी है किसी के साथ भलाई करने के बारे में अच्छा करने के बारे में या किसी का ताउन करने के बारे में ठीक है तो कहानी स्टार्ट होती है माय फ्रेंड वाज वॉकिंग डाउन अ डिजेटेड मैक्सिकन बीच एट सनसेट ओके पूरा आपका एक जुमला है जो कि है पास्ट कंटिन्यूस अफर्मेटिव में माय फ्रेंड का मतलब मेरा दोस्त ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है वॉक का मतलब होता है वॉक डाउन का मतलब चहलकदमी करना घूमना फिरना ठीक वॉकिंग डाउन आपका वर्ब है आईन जी के साथ अ अडिजेड मैक्सिकन बीच इसको आप ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं या आपको दीगवर्स में भी मान सकते हैं और एट सनसेट ये आपका दीगवर्स में आएगा ठीक तो वॉक डाउन का मतलब चहलकदमी करना घूमना फिरना मैक्स डिजेटेडर का मतलब होता है रेगिस्तान वाला मैक्सिकन का मतलब होता है मैक्सिकन जगह का नाम है बीच का मतलब साहिल ओके और एट सनसेट का मतलब होता है सनसेट का मतलब होता है सूरज का गुरूब होना लेकिन यहाँ पर एट सनसेट का मतलब यहाँ पर यानी वक्त मुराद है गोया की जो है वो उसके जो घूम रहा था वो वक्त कौन सा था सूरज गुरूब होने वाला था उस टाइम वो वहां पर घूम रहा था तो डेजर्टेड के दो माने हो सकते एक तो रेगिस्तान वाला लेकिन यहां पर जो माना होगा वो माना होगा सुनसान ठीक है डेजर्टेड मैक्सिकन बीच तो डेजर्टेड मैक्सिकन बीच का क्या मतलब होगा सुनसान मैक्सिकन साहिल पर ठीक है तो क्या तर्जुमा होगा माई फ्रेंड वॉज वॉकिंग डाउन अ डेजर्टेड मेक्सिकन बीच एट सनसेट कि मेरा दोस्त सुनसान मैक्सिकन के साहिल पर समंदर के किनारे घूम फिर रहा था घूम रहा था कब एट सनसेट उस वक्त जबकि सूरज गुरूब हो रहा था ओके एज ही वॉकड अलॉन्ग ये आपका जुमला है बिगेन टू सी अनदर मैन इन द डिस्टेंस ये आपका दूसरा जुमला है ठीक है एज ही ये आपका पास पासिम में है ही का मतलब होता है वो और वॉक का, मतलब का मतलब होता है टहलना ठीक या चलना फिरना का मतलब होता है अलॉक का मतलब होता है साथ साथ तो वॉक डॉन का मतलब साथ साथ चलना यानी एज ही वॉक डॉन की जैसे ही वो आगे बढ़ा या आगे गया ही बिगेन टू सी अनदर मैन इन द डिस्टेंस आपका एक जुमला है ये अभी आपका जुमला पास डिफरेंट एफर्मेटिव में है ही आपका सब्जेक्ट है का मतलब होता शुरू करना सेकेंड फॉर्म बिगेन शुरू किया क्या चीज टू तो सी अनदर मैन एक दूसरे आदमी को देखना इन द दे डिस्टेंस दूर से ठीक तो ही बिगेन टू तो सी अनदर मैन इन द डिस्टेंस की जैसे ही वो आगे बढ़ा थोड़ी दूर गया उसने दूर से ही एक आदमी को यानी एक दूसरे आदमी को देखना शुरू किया यानी देखा ठीक है एज ही ग्रो नियर ये आपका जुमले का हिस्सा है ही ये एक जुमला है डेट द लोकल नेटिव केप लीनिंग डाउन पिकिंग समथिंग अप एंड थ्रोइंग इट आउट द वाटर ये आपका पूरा एक जुमला है ठीक है तो एज ही ग्रू नियर ये आपका एक जुमला है जो कि पास एंडिव में है ही आपका सब्जेक्ट बन रहा है ग्रो का मतलब होता है बढ़ना और नियर का मतलब होता है करीब तक ठीक है तो ग्रो नियर का मतलब होता है आगे बढ़ना है करीब होना तो एज ही कि जूं ही वो करीब हुआ करीब से करीब हुआ क्या हुआ फिर ही नोटिस उसे ने ध्यान दिया उसे उसे दिखा भी आप कर सकते हैं ठीक है नोटिस का मतलब मतलब तो ध्यान में लाना तो ही नोटिस उसने ध्यान दिया क्या ध्यान दिया डैड की अ लोकल नेटिव कैप्ड लीनिंग डाउन या जुमला है ठीक है पिकिंग समथिंग अप एंड थ्रोइंग इट आउट इन द वाटर ये जुमले का हिस्सा है तो द लोकल नेटिव कैप्ट लीनिंग डाउन ये आपका एक जुमला है जो की पास एंड में है और द लोकल नेटिव ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है मतलब होता है मुसलसल झुकना की इसलिए यहाँ पर कैप्ट आया हुआ है और लीन डाउन का मतलब होता है झुकना ठीक मतलब वो झुक रहा था किस हालत में पिकिंग समथिंग अप पिक का मतलब होता है उठाना समथिंग का मतलब कोई चीज आपका मतलब ऊपर ठीक है और क्या चीज हो रही थी वहां पर एंड और थ्रोइंग इट आउट into the water थोड़ा का मतलब थ्रोट का मतलब, मतलब फेंकना इट का ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा थोड़ का एंड इंटू द वाटर पानी के अंदर ठीक ये आपका दीगर वर्षा आ जाएगा तो उसने क्या ध्यान दिया ही नोटिस उसने ध्यान दिया डेड की द नेटिव कि एक इलाकाई बाशिंदा लोकल का मतलब होता है इलाकई नेटिव का मतलब रहने वाला यानी बाशिंदा एक इलाकाई बाशिंदे को उसने देखा कि प्लिनिंग की वो मुसलसल झुक रहा है तो अगर आप इसको लफ्जी तजमा करेंगे तो झुक रहा था होगा कीप के साथ जब हम कोई वर्ड ले आते हैं तो इसका मतलब मुसल करना ठीक है तो यहाँ पर इसलिए मैंने रहा से किया और मैंने प्रेजेंट में इसलिए क्योंकि इससे में है प्रेजेंट में हम इसको कर देंगे उर्दू में आकर के ठीक तो उसने एक इलाकाई बाशिंदे को देखा मुसलसल नीचे झुकते हुए और पिकिंग सफथिंग आप और कोई चीज़ ऊपर उठाते हुए एंड थ्रोइंग इट वाटर और इसे पानी में फेंकते हुए ठीक टाइम एंड अगेन ये आपका जुमले का हिस्सा है ही केप्ट हर्लिंग थिंग्स आउट इन टू दोशन ये आपका पूरा हिस्सा हुआ जुमला ठीक है ही केप्ट हर्लिंग थिंग्स आउट इंटू द ओशन इसको आप ओशन नहीं पड़ेंगे ओशन 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 ओके तो ये जो आपका पूरा जुमला है ये पांच इंडिफिन अफर्मेटिव में है टाइम एंड अगेन का मतलब होता है मुसलसल या बार बार टाइम एंड अगेन का मतलब मुसलसल बार बार या कई बार लेकिन यहाँ पर बार बार के माने में होगा जुमले का हिस्सा असल जुमला है ही केप्ट हर्डिंग थिंग्स आउट इंटू द ओशन तो ये आपका सब्जेक्ट है कीप डूइंग हर्ड का मतलब होता है फेंकना थिंग्स आपका ऑब्जेक्ट है ठीक है थिंग्स का मतलब होता है चीज या सामान यह हर आउट से रिलेटेड है हर्ड आउट फेंकना इंटू का मतलब होता है मे द ओशन का मतलब समंदर तो टाइम एंड अगेन ही केप्ट हर्डिंग थिंग्स आउट इंटू द ओशन कि वो बार बार फेंकता रहा चीजों को समंदर के अंदर ठीक है ये मुसलसल किसी चीज को समंदर के अंदर फेंक रहा था ये माना हुआ यहां पर एज माई फ्रेंड अप्रोस्ट इवन क्लोजर ठीक है इसको आप पढ़ेंगे अप्रोस्ट इसको आप इवन पढ़ेंगे थोड़ा सा खींचेंगे इवन और इसको क्लोजर ओके okay? तो ये जो आपका जुमला ये आपका पास्ट अफर्मेटिव में है एज जबकि या जैसे ही माई फ्रेंड आपका सब्जेक्ट है मेरा दोस्त अप्रोच का मतलब पहुंचना इवन क्लोजर मैंने बहुत करीब ठीक है इवन क्लोजर का मतलब होगा बहुत करीब एज माई फ्रेंड अप्रोच इवेंट क्लोजर कि जब मेरा दोस्त बहुत करीब हो गया या बहुत करीब पहुंच गया ही नोटिस तो उसने ध्यान दिया ये आपका जुमला है पास में ही आपका सब्जेक्ट बन रहा है नोटिस का मतलब ध्यान देना या उसके ध्यान में आना और ये आपका सेकंड फॉर्म है he noticed, उसने ध्यान दिया क्या ध्यान दिया डेट की द मैन वॉज स्पीकिंग ऑफ स्टार फिश यह आपका पूरा जुमला है जो कि पास कंटिन्यूस में है द मैन आपका सब्जेक्ट बन रहा है वो हेल्पिंग वर्ब है पिक अप का मतलब होता है उठाना ये आपका वर्ब है स्टार फिश का मतलब होता है मछली ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है ठीक तो दैट द मैन वॉज पिकिंग अप स्टार फिश की वो आदमी क्या कर रहा था वो स्टार फिश को सितारा जो मछली होती है स्टार फिश हम मान के चलेंगे उसको वो उठा रहा था डेट हैड वॉश्ड अप ऑन द बीच ये आपका जुमला है परफेक्ट में है और ये आपका एक्टिवाइज डेट है मतलब होता है बह जाना ठीक है डेट बहकर आ गए थे कहाँ पर ऑन द बीच साहिल पर तो उन उस स्टारफिश को यानी उस मछली को वो उठा रहा था जो मछली बहकर आ गई थी साहिल पर तो ये डेट हैड वॉश्ड अप ऑन द बीच ये आपका परफेक्ट का जुमला है पास्ट का लेकिन ये सिफत बन रहा है ये जुमला किसका स्टारफिश का यानी किस स्टारफिश को उस स्टारफिश को जो बह करके समंदर के समंदर के किनारे या समंदर के साहिल पर आ गई थी एंड वन एट अ टाइम और एक ही वक्त में ही वॉज थ्रोइंग देम बैक इंटू द वॉटर ये भी आपका एक जुमला है ठीक है ही वॉज थ्रोइंग देम बैक इंटू द वॉटर ये आपका पास्ट कंटिन्यूस अफरमेटिव का है ही का मतलब वो सब्जेक्ट बन रहा है वाज हेल्पिंग हुआ, हुआ चूंकि ही के साथ वाज इस्तेमाल करते हैं थ्रो का मतलब होता है फेंकना और यहाँ पर थ्रोइंग आई एन जी की वजह से आया हुआ है यानी कंटिन्यूस की वजह से आई एन जी आया हुआ है देम ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है बैक मतलब वापस इन टू द वॉटर दीगर वर्ड्स में आ जाएगा तो ही वॉज थ्रोइंग देम बैक इन टू द वाटर और एक ही वक्त में उठाता भी था और उनको पानी में फेंकता भी था यानी फेंक रहा था या फेंकता था भी आप कर सकते हैं फेंक रहा था ठीक ये भी चल सकता है माई फ्रेंड वॉस पजल्ड माई फ्रेंड वॉस पजल्ड ठीक है ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है और ये पूरा आपका पिडिकेट बन रहा है इसको आप पेसी वाइज भी मान सकते हैं यानी मैं मेरा दोस्त हैरत में डाल दिया गया था यानी मेरा दोस्त हैरान हो गया ठीक है इसको आप पेशी वाइस भी मान सकते हैं और इसको आप सब्जेक्ट प्रेट भी मान सकते हैं ठीक आगे क्या हुआ अप्रोच द मैन एंड सेड ये आपका जुमला है जो कि पाट एंड में ही आपका सब्जेक्ट है अप्रोच का मतलब होता तो है करीब पहुंचना द मैन का मतलब ऑब्जेक्ट एंड सेड और कहा ये अप्रोच द मैन एंड सेड वो आदमी के पास पहुंचा या आदमी से करीब हुआ और उसने कहा क्या कहा गुड इवनिंग अब इसको गुड इवनिंग नहीं पढ़ेंगे गुड इवनिंग गुड इवनिंग का मतलब सलाम यहाँ पर कर सकते हैं या शाम बखैर भी कर सकते हैं बट सलाम अलैकुम ज्यादा अच्छा होगा ये अंग्रेजों की अपनी ताबीर है तो यहाँ पर वालेकुम भी कर सकते हैं और आप शाम बखेर भी कह सकते हैं फ्रेंड दोस्त आई वाज विंग ये एक जुमला है ठीक है जो कि कंटिनस में है आई वॉज वॉन्ड्रिंग कि मैं जो है पशोपेश में हूं आई वॉज वॉन्ड्रिंग काफी तर्जा होगा मैं पशोपेश में हूँ लेकिन इसका जो इस्तेमाल होता है इसका एक ये एक ताबीर इंग्लिश के इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम किसी से कोई सवाल करना चाहते हैं और मतलब हिचकिचाहट महसूस कर रहे होते हैं उस वक्त ओके okay, यानी आप शर्मा रहे होते हैं या आप जो है हिचकिचा रहे होते हैं उससे पूछने में झिझक महसूस कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम इसका, इसका इस्तेमाल करते हैं आई वॉज लॉन्ड्रिंग तो यहाँ पर वो चूंकि हिचकिचाहट का शिकार था वो शर्मा रहा था कैसे पूछे वो जानने का ख्वाहिशमंद था लेकिन उसके अंदर हिचकिचाहट थी इसलिए उसने ये जुमला इस्तेमाल किया कोई दूसरा होगा ही वॉज दे वर वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पर आई वॉज लॉन्ड्रिंग का मतलब होगा कि क्या के मान आप ले सकते हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो अगर आप बुरा ना माने तो ये लफजी तर्जुमा नहीं है बल्कि यह ताबीर है इंग्लिश की तो उर्दू में अपनी ताबीर है अगर आप बुरा माने तो मुझे ये बताएं कि ठीक है या मैं जानना चाहूंगा कि जो भी आप तर्जुमा करना चाहें लेकिन लफ्जी तर्जुमा वहां पर नहीं हुआ कि मैं पशो पेश में हूं ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है तो अगर आप बुरा ना माने तो ये तर्जुमा अच्छा होगा यहाँ पर वट यू आर डूइंग ये आपका जुमला जो है असल में क्वेश्चन वाला है ठीक है ये जो जुमला है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है और इंट्रोगेटिव है ये असल में व्हाट आर यू डूइंग है कि आप क्या कर रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग का लफ्जी तजमा होगा असल में कि आप क्या कर रहे हैं असल में व्हाट आर यू डूइंग है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी क्वेश्चन वाले जुमले को उससे पहले कोई जुमला ले आते हैं जो सिंपल होता है तो क्वेश्चन वाले को हम सिंपल बना देते हैं ये एक रूल है इंग्लिश का जिसको इंशाल्लाह आप अगले मरहले में पढ़ेंगे ठीक है तो यहाँ पर असल में व्हाट आर यू डूइंग था और आई वॉज ओंडरिंग ये इसी से रिलेटेड है ठीक है तो मैं हैरत में था पशुपेश में था किस चीज के बारे में उस चीज के बारे में जो आप कर रहे हैं ये असल में मैं हैरान था या मैं पशुपेश में था उस चीज के बारे में जो आप कर रहे हैं लेकिन क्या तर्जमा होगा कि अगर आप बुरा ना माने तो मुझे बताएं कि आप क्या कर रहे हैं या मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या कर रहे हैं ठीक आई एम थ्रोइंग दीज स्टार फिश बैक इन टू द ओशन ये आपका एक जुमला है जो उसने रिप्लाई में जवाब में दिया कि आई एम थ्रोइंग ये आपका जो जुमला है प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई आपका सब्जेक्ट एम ये आपका हेल्पिंग यू हुआ बट थ्रो का मतलब फेंकना आई एन जी के साथ कंटिन्यूस की वजह से दिस स्टार फिश ये स्टार फिश को आप पिलोरल भी इस्तेमाल करते हैं फिश को हम एज ए पिलोरल भी लेते हैं और फिशेज भी लेते हैं दोनों इस्तेमाल है और सिंगुलर तो लेते ही हैं दिस स्टार फिश ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है बैक इंटू द ओशन ये दीगे वर्ड में आ जाएगा तो आई एम थ्रोइंग दिस स्टार फिश बैक इंटू द ओशन का मतलब होगा कि मैं फेंक रहा हूँ इन स्टारफिश को समंदर में वापस यू सी इट्स लो टाइड राइट नाउ तो यहां पर एक जुमला है यू सी इट्स लो टाइड नाउ दो जुमले यू सी आपका एक जुमला है इट्स लो टाइड राइट नाउ यह आपका दूसरा जुमला है एंड ऑल ऑफ दीज स्टारफिश द शोर यह आपका तीसरा जुमला है तो यू सी का मतलब होता है आप देख रहे हैं यू का मतलब तुम सी का मतलब देखना तो यहाँ पर घर चे हुआ कंटिन्यूस नहीं है लेकिन हम जब इसका तर्जुमा करेंगे तो कहेंगे आप देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं इट्स लो टाइड राइट नाउ इट्स का मतलब इट इसल में लो टाइड का मतलब होता है लो का मतलब होता है कम टाइड का मतलब होता है जवार यानी जो समुद्र के अंदर उथल पथल होती पानी का ऊपर नीचे होना होता है लहरों के साथ उसको टाइट बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर उसको उर्दू में जवार कहते हैं जवार भाटा तो यहाँ पर वही है टाइड का मतलब होगा जवार ठीक वो कह रहा है कि इट्स लो टाइड का क्या मतलब होगा कि अभी जो है ये जो लहर है वो बहुत ज्यादा मतलब ऊपर नहीं है बल्कि नीचे ही है जवार भाटा ये बहुत लो क्वालिटी में यानी अभी इसके अंदर कमी आ गई है राइट नो का मतलब इस वक्त ठीक तो यू सी आप देख रहे हैं कि इट्स लो टाइड नो कि अभी इस वक्त जो है समंदर में ज्यादा उथल पथल नहीं है यानी लहरें ऊपर नहीं आ रही बल्कि नीचे ही पानी है एंड ऑल ऑफ दिस है ये आप एक जुमला है जो कि पेसी वाइज में है और ये परफेक्ट में है पेसी वाइज ठीक है ऑल ऑफ दिस जो मछलियाँ हैं तमाम के तमाम है कर ले आया गया है कहाँ पर ऑन टू द शोर साहिल पर तो क्या मतलब होगा कि ये मछलियाँ जो है ये साहिल पर आ गई हैं ठीक है उर्दू में हम इससे चेंज कर देंगे लेकिन लज्जी तर्जुमा होगा कि इनको बहाकर ले आया गया है कहाँ पर साहिल पर लेकिन ये मछलियां आ गई हैं साहिल पर ठीक है बह करके उसके बाद इफ आई डोंट थ्रो देम बैक द सी ये आपका एक जुमला है जो कि कंडीशनल है दे विल डाई अफर फ्रॉम लेक ऑफ ऑक्सीजन इसको क्या पढ़ेंगे ऑक्सीजन सर क्या पढ़ते हैं ऑक्सीजन बट ये ऑक्सीजन क्या पढ़ेंगे ऑक्सीजन so तो चलिए तर्जुमा होगा इफ आई डोंट थ्रो देम बैक इंटू द सी ये आपका जो जुमला आई डो नॉट थ्रो देम बैक इंटू सी ये आपका प्रेजेंट नेगेटिव का जुमला है प्रेजेंट एंड डेफिनेट निगेटिव का आई सब्जेक्ट है डू नॉट हेल्पिंग ऑफ और नॉट थ्रो का मतलब होता है फेंकना देम बैक द सी वापस इन्हें समुद्र के अंदर देम ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है बैक द सी यानी थ्रो बैक इससे रिलेटेड है द सी आपका ओर में आ जाएगा तो क्या तर्जुमा होगा इफ आई डू नॉट थ्रो देम बैक द सी कि अगर मैं इनको वापस समुद्र में ना फेंकू अपने कहेंगे नहीं फेंकता हूँ कह सकते हैं कि अगर मैं इनको नहीं फेंकता हूँ तो ऐसा हो जाएगा लेकिन अच्छा तर्जुमा होगा कि अगर मैं इनको ना फेंकूं तो क्या होगा ये आपका जवाब शर्त यानी रिजल्ट है क्या होगा दे विल डाई ऑफ हेयर तो ये आपका जो जुमला है ये फ्यूचर एंड डेफिनेट का जुमला है दे सब्जेक्ट ये असल में विल है दे विल डाई ऑफ का मतलब फॉरन मर जाना हेयर यहाँ पर फ्रॉम का मतलब से लेक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन की कमी ठीक है लेक का मतलब कमी ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन तो दे विल डाई ऑफ हेयर फ्रॉम द लेक ऑफ ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होगा कि वो लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से या ऑक्सीजन की कमी से यही दम तोड़ देंगी ये यह मछलियां यहीं पर मर जाएंगी तो ये तर्जुमा हुआ इस सफे का या इन दोनों पैराग्राफ का आगे चलते हैं आगे क्या हुआ आदमी कहता है आगे आई अंडरस्टैंड माई फ्रेंड रिप्लाइड आई अंडरस्टैंड माई फ्रेंड रिप्लाइड का जुमला है आई अंडरस्टैंड कि मैं समझता हूँ माई फ्रेंड रिप्लाइड मेरे दोस्त ने जवाब दिया तो यह एक जुमला है और ये आपका दूसरा जुमला यह जुमला है प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यहाँ पर अफर्मेटिव है आई सब्जेक्ट अंडरस्टैंड यह आपका वर्ड है आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ माय फ्रेंड एंड और यह आपका तो दूसरा जुमला है जो कि पास्ट अफर्मेटिव में माय फ्रेंड सब्जेक्ट और रिप्लाइड यह आपका वर्ड की सेकंड फॉर्म है माय फ्रेंड लिपराइड मेरे दोस्त ने जवाब दिया बट देयर मस्ट बी थाउजेंड्स ऑफ स्टार फिश ऑन दिस बीच ये आपका जुमला है जो कि है मॉडल में है और ये फॉर्मेटिव है कोई सवाल नहीं किया गया कोई नेगेटिव नहीं है मस्ट बी का मतलब होता है होना ताक़द के साथ होना ठीक है और मस्ट बी का इस्तेमाल ज़रूर होंगी यहाँ पर इसको इसने उम्मीद के माने में लिया ठीक है बट देयर मस्ट बी थाउजेंड्स ऑफ स्टार फिश की हजारों यहाँ पर स्टार फिश होंगी ऑन द बीच साहिल पर ठीक है बट देयर मस्ट बी थाउजेंड ऑफ स्टार फिश ऑन द बीच की मैं समझता हूँ लेकिन साहिल पर इस साहिल पर हजारों स्टार फिश होंगी यू कॉन्ट पॉसिबली get टू ऑल ऑफ देम ये जो आपका जुमला है ये मॉडल है नेगेटिव में है ठीक है यू आपका सब्जेक्ट है कैन नॉट हेल्पिंग ऑफ नॉट यानी ऑक् और नॉट डिगर वर्ड्स गेट्स टू गेट टू का मतलब होता है रसाई हासिल करना या पहुंचना या पाना ऑल ऑफ देम का मतलब इन तमाम को तो क्या था जो वो होगा यू कैन नॉट पॉसिबली to टू ऑल ऑफ देम की आपके लिए मुमकिन नहीं पॉसिबली का मतलब होता है मुमकिन तौर पर लेकिन यू कैन नॉट पॉसिबली गेट टू ऑल ऑफ देम कि आपके लिए मुमकिन नहीं है यू कैन नॉट पॉसिबली कि आपके लिए मुमकिन नहीं है क्या चीज गेट टू ऑल ऑफ देम कि उन तमाम तक पहुंचना या उन तमाम के साथ ऐसा करना भी आप कर सकते हैं ठीक है तो आपके लिए मुमकिन नहीं कि आप यह काम उन सारी मछलियों के साथ जो सारी मछलियां हैं हजारों उनके साथ आप ये कर सके तो ये तर्जुमा हुआ उसके बाद है देर आर सिंपली टू मैनी देर आर सिंपली टू मैनी यहाँ पर टू मेनी असल में आपका सब्जेक्ट बन रहा है सिंपली ये आपका जो है सिंपली के माने होते हैं सादगी के साथ लेकिन यहाँ पर माना होगा जाहिरन जाहिर है दे आर सिंपली टू मेनी सिंपली का मतलब होगा जाहिर है ठीक है सादगी के माने भी होता है लेकिन इसका मतलब होता है जाहिर है देर आर सिंपली टू कि ज़ाहिर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं बहुत सारी मछलियाँ हैं एंड डोंट यू रियलाइज ये असल में आपका एक जुमला है दिस इज प्रोबेबली हैपनिंग ऑन अंड्र बीचेस एंड डाउन दिस कोर्स ये आपका दूसरा जुमला है एंड डोंट यू रियलाइज ये आपका एक जुमला है जो कि ये प्रेजेंट नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों इसमें इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है और ये जो स्टार्ट हो रहा है ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है डू नॉट ये आपका नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है डू नॉट क्योंकि यहाँ पर डू नॉट आया हुआ है तो ये डोंट हो गया एक साथ जोड़ दिया डोंट हो गया और यहाँ पर हेल्पिंग पहले आ गया इसीलिए हम लफ्ज क्या से शुरू करेंगे तो क्या कहेंगे डोंट यू रियलाइज कि क्या आपको नहीं एहसास हो रहा है रियलाइज का मतलब तो एहसास होना यह पता चलना या लगना ठीक है तो डोंट यू रियलाइज कि आपको नहीं लगता है या आपको नहीं मालूम है भी आप कर सकते हैं दिस इज प्रग ऑन हंड्रेड ऑफ बीच ऑल अप एंड डाउन दिस कॉस्ट ठीक है दिस इज प्रॉबली प्रोबली का मतलब गालिबा दिस इज हैिंग यह असल में है ये आपका जो तो जुमला है प्रेजेंट कंटिन्यूस अफर है

ठीक है इस साहिल के जितने भी यानी मुकम्मल हो ठीक है इस साहिल के सारी बीच यानी किनारे हैं कॉस्ट का मतलब भी साहिल होता है और बीच का मतलब भी साहिल होता है ठीक है तो जो किनारे हैं जितने भी किनारे हैं इस साहिल के उनके हर किनारे पर या हर साहिल पर हजारों जो साहिल है हंड्रेड बीचेस का मतलब हजारों साहिल या हजारों किनारे ऑल अप एंड डाउन दिस कास्ट कि इस कॉस्ट यानी इस समंदर के किनारे यहाँ पर कॉस्ट का मतलब समंदर के किनारे ले लेंगे ठीक है तो इस पूरे समंदर के जो हजारों बीचेज हैं ठीक है इस पूरे समंदर के जो हजारों बीचेज हैं वहां पर यह चीज़ हो रही है यानी जितने भी साइल होंगे वहां पर मछलियाँ पड़ी होंगी जाहिर सी बात है तो कांट you डेट यू कैन नॉट पॉसिबली मेक अ डिफ्रेंस ये आपका जुमला है जो कि दो पर मुश्तमिल हैट यूसी उसके बाद यू कैन नॉट पॉसिबली मेक अ डिफरेंस ये आपका दूसरा जुमला है और ये जो जुमला है ये मॉडल में है इंट्रोगेटिव है नेगेटिव दोनों है ठीक है कैन का मतलब सकना यहाँ पर नॉट भी जुड़ गया यू आपका सब्जेक्ट है इसी का मतलब देखना कांट यू सी का क्या मतलब होगा कि क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है या क्या तुम नहीं देख सकते हो लेकिन यहाँ पर तर्जुमा होगा सी क्या तुम्हें नहीं लगता है ठीक है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ये माना लेंगे डैड की यू कॉन्ट पॉसिबिली मेक अ डिफरेंस ये आपका जुमला है जो कि है मॉडल में और नेगेटिव में ठीक है यू आपका सब्जेक्ट है कैन नॉट कैन के मान सकना होता है नॉट नहीं पॉसिबिली का मतलब मुमकिन होना या मुमकिन तौर पर मेक अ डिफरेंस का मतलब तब्दीली लाना या मदद करना तो डेट यू कैन नॉट पॉसिबली मेक अ डिफरेंस कि क्या तुम्हें नहीं लगता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है पॉसिबिली कहाँ तर्जमा करेंगे कि तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं यू कॉन्ट पॉसिबिली का क्या तर्जमा करेंगे कि तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है या मुमकिन नहीं हो सकता है अगर आप लाना चाहें तो कर सकते हैं ये कौन पॉसिबली कि तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं हो सकता है क्या चीज मेक अ डिफ्रेंस तब्दीली लाना यानी तुम तब्दीली नहीं ला सकते हो क्योंकि ये हजारों किनारों पर हजारों साहिलों पर यह चीज हो रही है या बीच पर वो चीज हो रही है ठीक है द लोकल नेटिव स्माइल्ड ये आपका एक जुमला हुआ बेंड डाउन ये आपका जुमले का हिस्सा इसको भी एक जुमला मान लेंगे एंड पिक दर फिश यह भी एक जुमला हुआ एंड एज थ्रैकू दी ये भी एक जुमला हुआ यह भी एक जुमला हुआ मेडिस्स टू डेट वन ये भी, एक ये भी एक तो ये आपका एक जुमला हुआ ठीक तो द लोकल नेटिव इस्मा यह आपका जुमला है पाट एंड में द लोकल्ट बन रहा है जो कि लोकल नेटिव के माने होते हैं इलाकाई बाशिंदा इस्माइल का मतलब होता है मुस्कुरा तो द लोकल नेटिव इस्माइल का मत मतलब जुम्मा होगा कि जो इलाकई बाशिंदा था वो मुस्कुराया तो बेंट डाउन बेंड डाउन का मतलब है झुकना यानी ही बेंट डाउन वो झुका एंड पिक्ड अप अप एट अनदर पिक का पिकड मतलब अपि उठाना एड का मतलब फिर भी ताहम एन अदर का मतलब दूसरा स्टारफिश का मतलब मछली वो झुका और उसने दूसरी स्टार फिश उठाई स्टार मछली यानी सितारा मछली स्टारफिश उसने उठाई तो झुका और उसने दूसरी मछली उठाई यहाँ पर एड का मतलब यहाँ पर ताकिद के लाया हो ठीक है यानी दूसरी मछली उसने उठा ली आप कर सकते हैं एंड एज ही थ्री इट बैक इंटू दी ये असल में ही थ्री इट बैक इंटू दी ये आपका तो जुमला है ये जुमला है जो कि पांच एंडिव में ही आपका सब्जेक्ट है थोड़ाफर्म थ्रू है जो कि फेंकने के माना में इट एक ऑब्जेक्ट है throw बैक वापस भेजना या फेंकना into द सी समंदर में तो एज ही थ्रू इट बैक into द सी का क्या मतलब होगा कि जैसे ही या जू ही उसने उसको समंदर में वापस फेंका

तो इसका मतलब हो जाएगा ये आपका जो तो जुमला बनेगा पास एंड में हो जाएगा आई सब्जेक्ट बनेगा मे अ डिफरेंस आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो वन इस वाले के साथ यहाँ पर वन का मतलब डेट यानी जिसको उसने फेंका था स्टार ठीक है तो इसका माना होगा तो क्या होगा मेड तो वन की मैंने इस एक के साथ भलाई कर दी या भलाई की ठीक तो ये तर्जुमा हुआ इस कहानी का और यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है इसमें क्या अखलाक पहलू हुआ इस कहानी के अंदर तो इस कहानी के अंदर जो अखलाक पहलू है वो है वी शुड हेल्प अदर्स एज मच एज वी कैन ये आपका जुमला है वी शुड हेल्प अदर्स एज मच एज वी कैन ये भी एक जुमला है तो वी शुड हेल्प अदर्स ये आपका जुमला है जो कि मॉडल है और ये पॉजिटिव में वी आपका सब्जेक्ट है शुड ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि चाहने के माने में है हेल्प का मतलब मदद करना अदर्स का मतलब दूसरे आपका ऑब्जेक्ट है तो वी शुड हेल्प अदर्स की हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए एज मच एज जहां तक वी कैन यानी वी कैन हेल्प वी सब्जेक्ट कैन सकने के माने में और यहाँ पर हेल्प उशीदा है जो कि वर्ब होगा तो वी शुड हेल्प अदर्स एज मच एज वी कैन कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए जहां तक हम कर सकते हैं ठीक है यानी अगर हम सब पूरी तरह से मदद नहीं कर सकते हैं थोड़ी बहुत ही मदद कर सकते हैं तो हमें मदद करनी चाहिए तो इस कहानी में यही हमें अख्लाकुल पहलू दिया गया कि जहां तक हम कर सकते हैं मदद किसी की हमें उस हद तक करनी चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए कि इतनी थोड़ी सी चीज से क्या होगा अगर हम कर सकते हैं छोटी ही नेकी तो हमें छोटी करनी चाहिए और हमें किसी भी नेकी को हकीर या कमतर नहीं समझना चाहिए और ये चीज़ हदीस में भी आई हुई है कि किसी भी नेकी को आप हकीर ना समझो यहाँ तक कि अगर आप रास्ते से कांटा हटा देते हैं या गंदगी हटा देते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है ठीक है आप इस चीज़ को आप हकीर ना समझें तो यहीं पर हमारी यह कहानी ख़त्म हुई उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा अब इन शाला आपसे मिलेंगे अगली कहानी में वालकम व्लि वर्कात thank <laughs> you